अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है समी। आप देख रहे हैं एशियन किंग टेक और इस वीडियो में हमारे पास ओप्पो के दो मॉडल्स मौजूद हैं यूज़ में, ओप्पो A76 और ओप्पो A96। इस वीडियो में इनके कुछ मेन स्पेक्स और कैमरा फीचर भी देखेंगे और आगे चल के आपको इनकी सेकेंड हैंड प्राइस भी बताऊँगा। और डिस्प्ले की अगर बात करें तो ओप्पो के जो डिस्प्ले हैं वो काफ़ी ब्राइट होते हैं और यहाँ पर IPS LCD डिस्प्ले दिया गया और किसी भी बड़े ब्रांड की तरफ से आपको इस रेंज में यही डिस्प्ले देखने को मिलते हैं। और इसकी बैक पर सिर्फ डुअल कैमरा लगाया गया है जिसमें 13 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है और यहाँ पर अल्ट्रा वाइड सेंसर भी नहीं दिया गया है, सिर्फ 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। और सेल्फी कैमरा भी इसमें आपको सिर्फ 8 मेगापिक्सल का मिलता है। और चिपसेट की अगर बात करें तो वो इसकी प्राइस रेंज के हिसाब से ठीक लगाया गया है, स्नैपड्रैगन 680। इसके अलावा 5000 mAh की बैटरी है और ये फ़ोन 33 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। और यहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है क्योंकि इसमें एक IPS पैनल लगाया गया है। और सिम सिचुएशन की अगर बात करें तो वो आप इसमें डुअल सिम और एक SD कार्ड सेम टाइम पे यूज़ कर पाओगे। तो ये थे इसके कुछ मेन स्पेक्स। अब बारी है इसकी कैमरा ऐप को ओपन करने की। और ये ओप्पो का फ़ोन है तो इसमें आपको कैमरा क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिल जाएगी और बिल्कुल बेसिक से फीचर इसमें आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर स्लोमो वगैरह की ऑप्शन भी नहीं दी गई है। और वीडियो रिकॉर्डिंग की अगर बात करें तो वो आप मैक्सिमम 1080 तक कर पाओगे इसके फ्रंट और बैक दोनों कैमरा से। यहाँ पे आपको नाइट मोड वगैरह की ऑप्शन मिल जाएगी और वीडियो में आप बोके इफेक्ट वगैरह भी इस्तेमाल कर पाओगे। और फ्रंट कैमरा की भी जो क्वालिटी है वो आपको ठीक ठाक मिल जाएगी इसकी प्राइस रेंज के हिसाब से। और प्राइसिंग के हवाले से अभी आपको इस कंडीशन में कंप्लीट सामान के साथ 30,000 का मिलेगा और इसकी वारंटी अब एंड हो चुकी है। और अब हम बात कर लेते हैं ओप्पो A96 की। और इस ओप्पो A96 में आपको 8GB रैम और 128GB की स्टोरेज मिलती है और डिस्प्ले साइज़ इसमें भी आपको सेम ही देखने को मिल रहा है, लेकिन ये एक 1080p रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले है और यहाँ पे 90Hz का रिफ्रेश रेट भी दिया गया है। और फ्रंट पर आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है इस पंच होल में और बैक पर डुअल कैमरा दिया गया है जिसमें 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, लेकिन बैक पर इसमें भी आपको अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को नहीं मिलता है। और चिपसेट यहाँ पर भी आपको स्नैपड्रैगन 680 का ही देखने को मिल रहा है। और बिल्ड क्वालिटी भी इसमें आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है और ये मैट फिनिश में आता है तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट वगैरह भी शो नहीं होते। इसके अलावा बैटरी इसमें भी 5000 mAh की लगाई गई है और ये भी 33 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। और यहाँ पर भी आप डुअल सिम और एक SD कार्ड एक साथ इस्तेमाल कर पाओगे। और अब अगर हम देखें इसकी कैमरा ऐप में फीचर्स और क्वालिटी को, और यहाँ पर आपको सभी जो बेसिक फीचर हैं वो देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर फोटो, वीडियो, नाइट, पोर्ट्रेट और मोर की ऑप्शन दी गई है। और कैमरा की जो क्वालिटी है वो भी इसमें आपको काफ़ी बेहतर मिल जाएगी। यहाँ पर स्लोमो वगैरह की ऑप्शन भी मौजूद है। और स्नैपड्रैगन 680 के साथ आप इसमें भी मैक्सिमम रिकॉर्डिंग 1080 तक ही कर सकते हो इसके फ्रंट और बैक दोनों कैमरा से। और वीडियो में आपको बोके इफेक्ट वगैरह की ऑप्शन भी मिल जाती है और नाइट मोड भी आप इसके फ्रंट और बैक दोनों कैमरा में इस्तेमाल कर पाओगे। और इसकी यूज़ प्राइस की अगर बात करें तो अभी आपको 33,000 का मिल जाएगा 10x10 कंडीशन में कम्प्लीट सामान के साथ और इसकी भी वारंटी अब ख़त्म हो चुकी है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप ये मोबाइल ख़रीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इनकी शॉप का एड्रेस मौजूद है, आप वहाँ जाकर इनसे ये मोबाइल ख़रीद सकते हैं। वीडियो को मुकम्मल देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।